डी स्टूडेंट्स स्टूडेंट नो वो आर डिस्क अपील प्रोसेस सम टाइम हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स एंड रेगोलेशन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट आके करके चली जाती है लेकिन उसके बाद इम्प्लायर को अपील का राइट दिया जाता है वो क्या है द अमाउंट ऑफ टाइम गिवन टू एन एम्प्लॉयर टू करेक्ट अज्स कंडीशन समय इम्प्लायर को टाइम दिया जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पे फला जगह पर फ्ला एग्जिस्ट कर रहा है यू हैवे टाइम वीक टू वीक वन मंथ थ्री मंथ you have to collect it then you have to report to the top authorities imply request for extension of abatement period Post time ko mazid extend karne ki bhi request employer ki taraf se ki ja sakti hai such appeals must be filed within 10 days of a posting जब ऑर्गेनाइजेशन को decision करके ऑर्गेनाइजेशन A को inform कर देगी तो उसके टेन days के अंदर वो appeal process appeal की जो date है वो शुरू हो जाती है फर्ज करें कि आज है थर्ड of July. आज किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंस्पेक्शन हुई तो विद इन टेन डेज मिन थर्टीन ऑफ जुलाई तक आप उसकी अपील फाइल कर सकते हैं एम्प्लॉय अपील एम्प्लॉय मे अपील एंड अबेटमेंट पीरियड आर दी अमाउंट ऑफ पेनल्टी आप पेनल्टी के अगेंस्ट टाइम के अगेंस्ट या उसके ऊपर जो इतराज़ आप उठा सकते हैं उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन की टीम जिन्होंने पहले विजिट किया होता है उनके अलावा कोई नई टीम आके उस पीरियड को टाइम के बाद विजिट करके अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं फॉर्मल अपील्स आर टू टाइप्स टाइप अपटिशन फॉर मोडिफिकेशन ऑफ अबेटमेंट इसका ये मतलब है कि ऑलरेडी कोई डिसीजन हो चुका है उसको मॉडिफाई करने के लिए बी कोई टीम आके मजीद बेहतरी के लिए या एम्प्लॉयर के साथ नगोशिएट करके नया डिसीजन दे सकती है नोटिस ऑफ कंटेस्ट हु डू नॉट विश टू एम्प्लॉय विद सर्टेशन अबेटमेंट पीरियड एंड आर पेनल्टी इट मस्ट बी डन विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ दीट ऑफ साइटेशन और पेनल्टी नोटिस ये डी ए स्टूडेंट्स जो फैक्ट एंड फिगर हैं इनका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दस दिन के अंदर अपील फाइल करना दस दिन के अंदर उसका रिप्लाई देना पंद्रह दिन के अंदर उसका रिप्लाई देना ये चीज़ें तमाम डिसाइडेड हैं और अगर आप इनकी वायोलेशन करेंगे तो आप उसके जो फ्रूटफुल रिजल्ट हैं उनको अवेल नहीं कर सकते स्टेट्स आर अलाउड टू डिप देयर ओन सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम जो स्टेट है फर्ज करें कि मिशिगन स्टेट है या इसके अलावा मैसाचुसेट्स स्टेट्स है वहाँ पर कैलिफोर्निया स्टेट्स है you know, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कंटेक्ट में ज़्यादा डेटा दिया गया है तो उसके हवाले से स्टेट खुद भी हेल्थ एंड सेफ्टी के ला बनाएगी और आर्गनाइजेशन को फुलफ़िल करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आकोपेशन सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन विल फंड अप टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द कास्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रोडक्शन अगर कोई ऑर्गेइजेशन ए ला को फॉलो करती है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिफ्टी परसेंट उसकी कास्ट स्टेट बियर करेगी

ये नाम से ज़्यादा है को बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन एक एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ कंसल्टेशन म्यूचुअल कंसल्टेशन स्टेट ओड एजेंसी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मिल के डिसीजन कर सकते हैं वॉलंटरी प्रोटेक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन बाई चॉइस भी वॉलंटरी प्रोटेक्शन प्रोग्राम डेवलप करके उन पर इंप्लीमेंट कर सकती है और लास्ट अपने इम्प्लाईज़ को लोअर लेवल मैनेजमेंट से टॉप लेवल मैनेजमेंट तक एजुकेट करना ट्रेन करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड प्लेस फ्री फ्राम हैज ये इंप्लायर की ड्यूटी है कि हेजड फ्री एनवामेंट प्रोवाइड करें दी नॉलेजल ऑफ मैंडेटरी आकुपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स कीप इम्प्लॉयज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट ओ एस एच ए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर इम्प्लाइज को आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्स का ही पता नहीं है तो किस तरह उनको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है

सेक्शन अलेवन सी ऑफ दुपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट कम्प्लेंट टू एन एम्प्लॉयर यूनियन सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन और एनी गवर्नमेंटल एजेंसी अबाउट जॉब सेफ्टी एंड हेल्थ हैजर्ड्स ये एम्प्लॉ का राइट है नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय राइट ये एम्प्लाई का राइट है कि अगर वहाँ हैजर्ड फ्री एनवामेंट नहीं तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं मुतल एजेंसी को कि हमारा एम्प्लॉयर ये हमें राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हो पार्टिसिपेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन इंस्पेक्शन कॉन्फ्रेंस हेरिंग्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज ये एम्प्लाई की ड्यूटी है कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है कोई ट्रेनिंग होती है कोई मेड्यूल लॉन्च किया जाता है उसका हिस्सा बने और अपनी इनपुट उसमें दे ताकि बाद में किसी किस्म की प्रॉब्लम से बचा जा सके और लास्ट आस्क एम्प्लायर्स फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट हैज़ड मे बी प्रजेंट इन दर्क प्लेस अगर हैज़ड्स कोई आर्गनाइजेशन के अंदर रुकावट का बायस बन रही है यह रुकावट है तो एम्प्लॉय की पहली ड्यूटी है वो इम्प्लॉयर को कन्फर्म करे ताकि इंप्लायर उसके ऊपर सोलूशन लेके किसी किस्म की प्रॉब्लम से बचाने के लिए एम्प्लॉय को एक बेहतरीन हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके